Vivo V25 वर्सेस Oppo F21 Pro। तो गाइज आज मैं करने वाला हूँ इसका कैमरा टेस्ट, कैमरा कंपैरिजन, इंडोर आउटडोर बहुत सारे फोटोज और वीडियोस मैंने क्लिक किए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट है। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखे रहे, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो हम आप तक पहुँचाते रहे। हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूँ किशोर, आप देख रहे हो राधा बीट। सो आइए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास Vivo V25 और Oppo F21 Pro। तो गाइस बात करते हैं यहाँ पे Vivo V25 की, तो यहाँ पे आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जहाँ पे प्राइमरी कैमरा लगा हुआ है 64 मेगापिक्सल का प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल। और गाइस बात करते हैं यहाँ पे Oppo F21 Pro की, तो यहाँ पे भी आपको सेम वही ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जहाँ पे प्राइमरी कैमरा लगा हुआ है 64 मेगापिक्सल का प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल। और गाइस बात करते हैं यहाँ पे दोनों ही फोन के फ्रंट साइड की, तो यहाँ पे आपको Vivo V25 के अंदर 50 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। और गाइस बात करते हैं यहाँ पे Oppo F21 Pro की, तो यहाँ पे आपको एक 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो गाइस जैसे इस दोनों फोन का आप कैमरा ऐप ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो इस सभी फीचर को यूज करते हुए इसे मैंने काफी सारे फोटोज और वीडियोज क्लिक किए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट है। वैसे वीडियो के लास्ट में मैं मेरा ओपिनियन भी देने वाला हूँ कि मुझे पर्सनली इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट लगी। तो आइए चलिए देखते कुछ फोटोज एंड वीडियो सैंपल। तो दोस्तों ये जो वीडियो देख रहे हो मैंने इसी Oppo F21 Pro और इसी Vivo V25 के फ्रंट कैमरे को यूज करते हुए क्लिक किए, यानी कि इन दोनों में से किसी एक फोन से व्लॉगिंग वगैरह करते हो तो इसका ऑडियो और वीडियो क्वालिटी जो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड्स आपको इन दोनों में से किसके कैमरा क्वालिटी बेस्ट लगी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा।
दोस्तों अभी जो आपने फोटोज एंड वीडियो सैंपल देखे, मैंने इसी Vivo V25 और इसी Oppo F21 Pro के फ्रंट और रियर कैमरे को यूज करते हुए क्लिक किए थे। तो गाइज आपको इन दोनों में से किसके कैमरा क्वालिटी बेस्ट लगी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और दोस्तों बात करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की, तो मुझे पर्सनली Oppo F21 Pro का कैमरा क्वालिटी अच्छी लगी। Vivo V25 के अंदर जो 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है वो पहले अच्छा था, जब Vivo नया स्मार्टफोन लॉन्च करता है तब उसका कैमरा क्वालिटी अच्छी रहती है, लेकिन कुछ समय बाद सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए से कैमरा क्वालिटी खराब हो जाती है। आपने देखा ही होगा 50 मेगापिक्सल जैसा कुछ ऐसा मतलब फील ही नहीं होता कि हमने 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा से फोटोज क्लिक किया है, सेल्फी क्लिक की है 50 मेगापिक्सल से। तो ये बात है, जब नया नया लॉन्च हुआ था तब बहुत ही सही से जो डिटेल्स वगैरह कैप्चर हो रही थी, बट फिलहाल मैं कहूँगा कि डोंट बाय दिस Vivo V25। अगर आपको भी इन दोनों में से किसी एक स्मार्टफोन को बाय करना है तो यू शुड बाय Oppo F21 Pro। तो आई होप यू गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज के इस वीडियो में इतना दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।